हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक ऑपरेटर यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का जो एक फॉर्म भरा गया था, तो उसमें जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया था उसके पैटर्न में। उसमें साइंस में थोड़ा विस्तार रूप से दिया गया था। उसी का अध्ययन सामग्री जो घटना चक्र की बुक आई थी विज्ञान से रिलेटेड, उसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें देखिए भौतिक जगत और मापन ये हो चुका है, शुद्ध गति और गति के नियम भी हो चुका है, कार्य शक्ति ऊर्जा भी हो चुका है, गुरुत्वाकर्षण हो चुका है, स्थिर वैद्युतकी और वैद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, ये इतने मतलब टोटल 8 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, इनको देखना, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे या देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि इसका चैप्टर नंबर 9 होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ एवं संचार व्यवस्था प्रणाली और प्रकाश की, इसको आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लास्ट का जो ये वीडियो रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 12, जिसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, जिसमें लगभग 400 प्लस प्रश्न इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं और इससे संबंधित जो भी नियम है उसको हम जानेंगे एक एक करके। तो इसमें देखिए मैक्सवेल के समीकरणों से उभरने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व होना है, जो अंतरिक्ष में संचरित समय के साथ बदलते युग विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इनके तरंगों का जो है चाल प्रकाशकीय मापन के द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के लगभग बराबर होता है। अब हम महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकाश एक क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, 1885 में हर्ट्ज ने जो है प्रयोग के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया था। तो हर्ट्ज इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, अब मैक्सवेल के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एडिनबर्ग में जन्मे थे, 19वीं सदी के महानतम वैद्युतविदों में से एक थे। इन्होंने जो है गैस के अणुओं की तापीय गतियों के वितरण के लिए व्यंजक भी उत्पन्न किया, और वह उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने श्यानता आदि मापन योग्य राशियों का उपयोग कर जो है आणविक प्राचलों के विश्वसनीय आकलन के प्राप्त किए। ठीक है, मैक्सवेल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो विद्युत और चुंबकत्व के यानी कि कूलाम, आर्स्टेड, एम्पियर और फराडो द्वारा जो खोजे गए नियमों के एकीकरण द्वारा संगत समीकरणों का एक समुच्चय प्रस्तुत करना था, जिन्हें आज हम मैक्सवेल के समीकरणों के नाम से जानते हैं। इनके आधार पर वह इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाश जो होता है वह वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। और मजे की बात यह है कि मैक्सवेल जो है फराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों के उत्पन्न इस विचार से सहमत नहीं थे कि विद्युत की प्रकृति जो होती है वो कण रूप में होती है। ठीक है, आगे विस्थापन धारा क्या होता है। तो विस्थापन धारा जो होता है विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहा जाता है। मैक्सवेल ने बताया था या दर्शाया था कि तार्किक संगत के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, और ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमित जो होती है बंद लूप हो, ठीक है, क्लोज सर्किट हो, तो गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा या विस्थापन धारा का योग होती है। व्यापक रूप से यह नियम की बात करेंगे तो इस तरीके से यह नियम जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, एम्पियर मैक्सवेल का नियम इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखते हैं तो फैराडे का जो है प्रेरण संबंधी नियम जो ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को हम दूसरे शब्दों में जो है इस प्रकार भी ये कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण की बात करेंगे तो पहला समीकरण ये बनता है। ठीक है, समाकलन E.T.A. Q/εr जो कि विद्युत संबंधी गॉस का नियम से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा समीकरण यह बनता है जो कि चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम है, और तीसरा समीकरण यह बनता है जो कि फैराडे का नियम कहलाता है, और चौथा समीकरण जो कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम है। तो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे तो मैक्सवेल के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण निष्पत्ति है कि त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे विकृत करते हैं। एक आवेश जो किसी निश्चित आवृत्ति से दोलन कर रहा है, कोई दोलन करता हुआ आवेश भी एक
अवतरित आवेश का उदाहरण होता है। ठीक है, ये जो है उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न करता है जो पुनः एक दोलित चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, और जो पुनः एक दोलित विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है, और ये जो है प्रक्रिया हरदम चलती रहती है। ठीक है, अतः इसमें देखा जाए तो दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, संपोषित करते हैं, या कहें कि तरंग क्या करती हैं, गमन करती हैं, चलती हैं। ठीक है, संभाविक स्वाभाविक रूप से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो आवेश के दोलनों के जो है आवृत्ति के बराबर होता है, और गमनकारी तरंगों से जुड़ी ऊर्जा स्रोत और त्वरित अर्थात त्वरित आवेश की ऊर्जा से भी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद जो है जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में कार्य करते हुए काफ़ी कम तरंगदैर्ध्य यानी कि 25 mm से 5 mm की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने और उन्हें प्रेक्षित करने में सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, इनका प्रयोग भी हर्ट्ज के प्रयोग की भांति ही प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। उस समय इटली में जो है मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण करते हुए कई किलोमीटर तक की दूरियों तक वैद्युत चुंबकीय तरंगें संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी के प्रयोग से संचार के क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग का प्रारंभ हुआ। मैक्सवेल के समीकरण के आधार पर यह दर्शाया जा सकता है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके गमन के दिशा के भी। ठीक है, अब हर्ट्ज कौन थे, रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से लेकर 1894 तक ये रहे, और ये एक जर्मन भौतिकविद थे जिन्होंने पहली बार रेडियो तरंगों के प्रसारित किया और ग्रहण किया था। उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है पैदा की, उन्हें आकाश में भेजा और उनका तरंगदैर्ध्य तथा चाल ज्ञात किया। उन्होंने दर्शाया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपनों की प्रकृति, परावर्तन और अपवर्तन ठीक वैसे ही थे जैसे प्रकाश एवं ऊष्मा तरंगों में, और इस प्रकार पहली बार इनकी अभिन्नता ये सिद्ध की। ठीक है, इन्होंने गैसों में जो है विद्युत विसर्जन संबंधी शोध की अगुवाई की और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ अभिलक्षण निम्न हैं, उसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये वह मुक्त स्थान या निर्वात में विद्युत या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संपोषित दोलन होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वह इस अर्थ में भी हमारे द्वारा अध्ययन की गई अन्य तरंगों से भिन्न है जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों के लिए किसी भी भौतिक माध्यम में आवश्यकता नहीं होती। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो गमन दिशा में संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। दृढ़ एवं विरूपण का विरोध करने वाले ठोस भी अनुप्रस्थ प्रत्यस्थ तरंगे जो है गमन कर सकती हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इस यांत्रिक चित्र के ऐसे अभ्यस्त हो गए थे कि इन्होंने एक ऐसी सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की जो सब जगह और सब पदार्थों में विद्यमान था, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति वैसे ही क्रिया प्रतिक्रिया करता था जैसे कोई भी प्रत्यास्थ माध्यम करता है। उन्होंने इस माध्यम को ईथर नाम दिया था, और सर आर्थर कॉनन डॉयल जो कि एक प्रसिद्ध जासूस शरलॉक होम्स की सृष्टिकर्ता थे, इन्होंने द पॉइजन बेल्ट नामक एक उपन्यास की रचना की जिसमें सौरमंडल के विषैले ईथर वाले क्षेत्र से गुजरता हुआ माना गया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें देखिए दिखाया गया है तरंगदैर्ध्य आवृत्ति दिया गया है, तरंगदैर्ध्य दिया गया है और गामा किरणों की जो है आवृत्ति तरंगदैर्ध्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी आवृत्ति जो होती है इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक्स किरणों की परावैगनी दृश्य प्रकाश और रक्त, और इसके बाद इसमें दृश्य प्रकाश में जो है इसमें दिखाया गया है कि इसके पार्टीशन कह सकते हैं सबको भी, बैगनी लाल नीला, बैगनी नीला हरा पीला, ठीक है, नारंगी और लाल में ये हो जाता है दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तो इसमें माइकलसन और मोरले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1887 में प्रसिद्ध प्रयोग किया, ईथर की परिकल्पना को पूरी तरह धराशाही कर दिया और द्विकाल में जो है दोलन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी एक दूसरे को संपोषित करके बनाए रख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की इन विभिन्न प्रकारों के घटती हुई तरंगों के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है रेडियो तरंगे, इनके बारे में बात करते हैं। रेडियो तरंगे की देखेंगे तो रेडियो तरंगे चालक तारों में आवेशों की जो है त्वरित गति से उत्पन्न होती है और इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणालियों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इनका आवृत्ति परास जो होता है सामान्यतः 500 kHz से लेकर लगभग 1000 MHz के बीच होता है। ठीक है, रेडियो तरंगों का, टीवी तरंगों का परास जो होता है वो 54 MHz से लेकर 890 MHz के बीच होता है। FM यानी कि आवृत्ति मॉडुलित रेडियो बैंड 88 mH यानी मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 MHz के बीच फैला होता है। ठीक है,
सेलुलर फोन यानी अच्युत आवृत्ति UHF बैंड के रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। तो ये हो गए रेडियो तरंगे। सूक्ष्म तरंगों की बात करेंगे तो ये लघु तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगे की आवृत्तियाँ गीगाहर्ट्ज में परास में होती हैं और ये विशेष प्रकार की निर्वात नालिकाओं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स जिन्हें कि क्लाइस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन अथवा गन टायोड डायोड कहते हैं कि इसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, अपने लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। रडार तेज गेंदों जैसे कि टेनिस में सर्व की गई गेंदों और वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र चाल गनों यानी स्पीड गन्स और गनों की कार्य प्रणाली में भी यही आधार होता है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन इन तरंगों का एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है और इन ओवनों में जो है सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि वह जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से मेल खा सकें ताकि तरंगों की ऊर्जा प्रभावी के रूप से अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है, इससे किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। माइक्रोवेव ओवन की बात करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम का एक भाग सूक्ष्म तरंग कहलाता है और इन तरंगों की आवृत्ति एवं ऊर्जा जो होता है दृश्य प्रकाश से कम एवं तरंग दैर्घ्य इससे अधिक होता है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत क्या है और यह कैसे कार्य करता है इसको हम आगे देखते हैं। हमारा उद्देश्य जो होता है वो भोजन को पकाना या इसे गर्म करने का होता है। सभी भोज्य वस्तुओं की जैसे कि फल सब्जी मांस अनाज इत्यादि एक अवयव जल भी होता है और जब हम कहते हैं कि कोई पिंड गर्म हो गया तो इससे हमारा क्या आशय होता है तो इससे हमारा यह आशय होता है कि जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो इसके परमाणुओं एवं अणुओं की यादृच्छिक गति की ऊर्जा क्या होती है बढ़ जाती है और वह अधिक ऊर्जा से चलने दोलन करने और घूर्णन करने लगते हैं। जल के अणुओं के घूर्णन की आवृत्ति लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज होती है। यदि जल को इस आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें मिल जाएं तो उसके अणु इन विकिरणों को क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं जो जल को गर्म करने के तुल्य ही होते हैं। ठीक है, और ये और इस ऊर्जा को निकटवर्ती भोजन अणुओं के साथ बांट लेते हैं और इस प्रकार भोजन क्या होता है गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन में जो है आपको चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, धातुओं के बर्तनों का नहीं, अन्यथा संचित विद्युत आवेशों के कारण आपको झटका लग सकता है। ठीक है, धातुएं जो है अत्यधिक ऊष्मा के कारण पिघल भी सकती हैं। चीनी मिट्टी का पात्र जो होता है वो अप्रभावित और ठंडा बना रहता है क्योंकि इसके विशाल अणु अपेक्षाकृत बहुत कम आवृत्ति से घूर्णन एवं कंपन करते हैं और इसी कारण जो है सूक्ष्म तरंगों को ये अवशोषित नहीं कर पाते अतः वह गर्म भी नहीं होते उतना। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है माइक्रोवेव ओवन का मूल सिद्धांत क्या है कि इसके जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहाँ उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाएँ। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। पारंपरिक विधि से पहले बर्नर पर रखा हुआ पात्र गर्म होता है फिर इससे ऊर्जा पात्र में रखे भोजन को स्थानांतरित होती है जबकि माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को और उनसे संपूर्ण भोजन को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सूक्ष्म तरंगे। अब देखते हैं अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों की बात करेंगे तो इसको इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है इंग्लिश में। यह गर्म पिंड और अणुओं से उत्पन्न होती हैं। यह बैंड दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्न आवृत्ति और दीर्घ तरंगदैर्ध्य सिरे से संलग्नित होता है। अवरक्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु जो है अवरक्त तरंगों को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। कई अन्य अणु जैसे CO2 NH3 आदि भी जो है अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के पश्चात उनकी तापीय गति क्या होती है बढ़ जाती है अर्थात वे गर्म हो जाते हैं और अपने परिवेश को क्या करते हैं गर्म करने लगते हैं। अवरक्त लैंपों का उपयोग जो है काय चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण की पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी हरितग्रह प्रभाव के द्वारा एक अहम भूमिका है। पृथ्वी पर आने वाला दृश्य प्रकाश जो अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक वायुमंडल से गुजर जाता है पृथ्वी के पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है और दीर्घ तरंगदैर्ध्य की अवरक्त तरंगों के रूप में पुनर्विकिरित हो जाता है और यह विकिरण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प जैसे जो है हरितग्रह प्रभाव कारी गैसों द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाता है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों एवं फसलों की वृद्धि का परीक्षण करने के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की बात करेंगे तो उदाहरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे कि TV सेट वीडियो रिकॉर्डर हाईफाई प्रणालियों के रिमोट नियंत्रकों में बहुलता से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त तरंगे होंगे। इसके बाद दृश्य प्रकाश तरंगों की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप होता है। उस स्पेक्ट्रम का भाग होता है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं यानी दृश्य प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं।
इसकी आवृत्ति परास होती है 4×10^14 हर्ट्ज से लेकर 7×10^14 हर्ट्ज या तरंग दैर्ध्य प्रकार लगभग 700×400 nm के तुल्य होता है। ठीक है, हमारे नेत्र जो होते हैं तरंग दैर्घ्यों के इसी परास के लिए संवेदनशील होते हैं। विभिन्न जंतुओं तरंग दैर्घ्यों के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील होते हैं अलग अलग। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे तो सर्प जो होता है वो अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। कई कीटों का दृश्य प्रवास जो होता है पराबैंगनी तरंगों तक पहुंचता है। पराबैंगनी तरंगों की बात करेंगे तो इसमें लगभग 4×10^-7 m यानी कि 400 nm और इसके बाद 6×10^-10 m यानी 0.6 nm तरंगदैर्ध्य प्रकाश की तरंगे इसमें सम्मिलित होती हैं। पराबैंगनी तरंगों की जो विकिरण विकिश लैंपों और बहुत गर्म पिंडों से ये उत्पन्न होती हैं पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, सूर्य जो है पराबैंगनी प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु सौभाग्य से इसका अधिकांश भाग वायुमंडल की लगभग 40-50 km की ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है और इसकी अधिक परिमाण में जो है अल्ट्रावायलेट प्रकाश में संपर्क में आने पर मानव का क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट विकिरणों के पड़ने से त्वचा में अधिक मेलानिन का उत्पादन होता है, जिससे त्वचा क्या होती है ताम्र रंग की हो जाती है। ठीक है, यानी तांबे के रंग की जैसी हो जाती है। अल्ट्रावायलेट विकिरण जो होता है सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, अतः कांच लगी खिड़कियों से छन कर आने वाले प्रकाश के कारण धूप ताम्रता नहीं होती। ठीक है, सनबर्न जिसको कहते हैं। वेल्डिंग करने वाले लोग वेल्डिंग चिंगारियों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कांच युक्त धूप के चश्मे पहनते हैं या कांच की खिड़कियों से युक्त मुखौटे अपने चेहरे पर लगाते हैं। ठीक है, अपनी छोटी तरंग दैर्घ्यों के कारण पराबैंगनी किरणों को अति प्रसिद्ध अनुप्रयोगों जैसे कि लैसिक यानी कि लेजर असिस्टेड इन सीटू किरेटोमिलेयोसिस, ठीक है, किरेटोमिलेयोसिस नेत्र शल्यता में यानी कि नेत्र ऑपरेशन में उपयोग हेतु जो है अत्यंत संकीर्ण किरण पुंजों को फोकसित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें विभिन्न चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण देख लेते हैं। रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो इनका परास जो होता है वो 0.1 m से भी कम होता है। इनका उत्पादन जो होता है एरियल में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा द्रुत त्वरण मंदन के द्वारा होता है। ठीक है, अब ग्राहक के लिए ये एरियल काम करते हैं। सूक्ष्म तरंगों की बात करेंगे तो इनका परास जो होता है वो 0.1 m से 1 nm तक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा जो उत्पादन होता है इनका, और ये बिंदु संपर्क डायोड में संसूचन करते हैं। ठीक है, अवरक्त तरंगों की बात करेंगे तो 1 mm से लेकर 700 nm तक होता है इनका परास, और ये परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन से उत्पादन होता है अवरक्त तरंगों का, और इनका जो है संसूचन थर्मोपाइल बोलोमीटर अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म में करते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो इनका जो है परास होता है वो 700 nm से 400 nm के मध्य होता है। इनका उत्पादन होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर और ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं, और ये जो है मानवीय नेत्र फोटोसेल और फोटोग्राफिक फिल्म में जो है इनका संसूचन किया जाता है। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश तरंगे जो होते हैं वो 400 nm से 1 nm के मध्य होता है। परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉनों की एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर इनका संक्रमण होता है, यहाँ से इनका उत्पादन होता है। ठीक है, और ये फोटोसेल फोटोग्राफिक सेल आदि में इनका संसूचन किया जाता है। एक्स किरणों की बात करेंगे तो 1 nm से 10^-3 nm तक इनका परास होता है, और ये जो है एक्स किरण नलिका व आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पादन होता है इनका, और ये फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब आयनीकरण प्रकोष्ठ आदि में इनका प्रयोग किया जाता है, संसूचन करते हैं। ठीक है, गामा किरणों की बात करेंगे तो ये 10^-3 nm के इनका परास होता है। ठीक है, नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय करते हैं ये, और ये फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ में इसका प्रयोग करते हैं, संसूचन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगला पॉइंट तो जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जो है जीवाणुओं को मारने में कराया जाता है। ओजोन परत एक संरक्षक की भूमिका अदा करती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और गैसों जैसे कि फ्रियान द्वारा इसका ह्रास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय भी है। किरणों की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट भाग के पश्चात एक्स किरणों का क्षेत्र आता है। चिकित्सीय उपयोगिता के कारण हम एक्स किरणों से परिचित हैं। ठीक है, और जैसे एक्सरे होता है ना, तो उस तरीके से ही एक्स किरणों का इसमें एक्सरेज में प्रयोग करते हैं। इसका परास तरंगदैर होता है 10^-8 m यानी कि 10 nm से लेकर नीचे 10^-13 m तक होता है। एक्स किरणों के उत्पादन की एक सामान्य विधि किसी धातुवी लक्ष्य पर ऊर्जा उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करना होता है। ठीक है, चिकित्सा में जो है एक्स किरणों को नैदानिक साधन के रूप में तथा कुछ प्रकार के जो है कैंसर
के उपचार के लिए उपयोग में लाते हैं। चूँकि एक्स किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों की हानि पहुँचाती हैं या नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका जो है इनसे अनावश्यक अथवा अधिक उद्भासन से बचने की सावधानी बरतनी चाहिए। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें की बात करेंगे तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ऊपरी आवृत्ति के क्षेत्र में होती हैं। उनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश लगभग 10^-10 मीटर से लेकर 10^-14 मीटर से भी कम होता है। उच्च आवृत्ति का यह विकिरण जो होता है नाभिकीय क्रियाओं में उत्पन्न होता है। यह रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा उत्सर्जित होता है और यह चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है, मैक्सवेल ने जो है एम्पियर के नियम में विसंगति पाई थी और इस विसंगति को दूर करने के लिए अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया, जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है। विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है और उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, IT=EE/dt। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है जैसे कि चालन धारा। एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। आवृत्तीय रूप से देखेंगे तो वी आवृत्ति से दोलन करता हुआ एक विद्युत आवेश उसी वी आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगों से उत्पन्न करता है और एक द्विध्रुव वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मौलिक जो स्रोत है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ मीटर जो होता है कोट तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग प्रयोगशाला में सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज के द्वारा जो है उत्पन्न एवं संसूचित किया गया। इस प्रकार उन्होंने मैक्सवेल की मौलिक भविष्यवाणी की पुष्टि की थी। ठीक है, निर्वात में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे तो चाल जो होता है C μ0 और ε0 यानी चुंबकशीलता और विद्युतशीलता जिसे कहते हैं इस प्रकार संबंध है C=1/√μ0ε0। ठीक है, और C का मान प्रकाश के मापों द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसलिए C प्रकाश की भी चाल है। प्रकाश के अतिरिक्त सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की मुक्त आकाश में वही चाल C होता है। प्रकाश एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो है किसी भौतिक माध्यम में चाल V=1/√μ/ε होता है। यहाँ पर म्यू एक चुंबकशीलता तथा एप्सिलॉन जो होता है वह विद्युतशीलता होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें जब स्पेस में जो है संचरित होती हैं तो अपने साथ ऊर्जा का वहन करती हैं और यह ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें संवेग का भी वहन करती हैं। जब ये तरंगें किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं तो पृष्ठ पर क्या करती हैं, दाब डालती हैं। यदि टी समय में पृष्ठ को स्थानांतरित संपूर्ण ऊर्जा यू हो तो पृष्ठ को दिया गया कुल संवेग P/U/C होता है। ठीक है, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांतता तो तरंगों के अनंत परिसर में विस्तृत होता है 10^-2 एंगस्ट्रॉम से 10^-12 मीटर से 10^6 मीटर तक जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में समायोजित करने पर विभिन्न भाग अलग अलग नाम से इस प्रकार जाने जाते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे जिसके बारे में भी हमने ऊपर चर्चा की है। ठीक है, और ये जो है द्रव्य से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा पारस्परिक क्रिया करती हैं जिससे सभी द्रव्यों में विद्यमान आवेश दोलन प्रारंभ करते हैं। विस्तृत आवेश पारस्परिक क्रिया तथा इस प्रकार अवशोषण प्रकीर्णन आदि की क्रिया जो होती है EM तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम के परमाणुओं और अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को एंड करते हैं आज का और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।